बेगूसराय जिले के मटिहानी प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन का कार्य आज पांचवें दिन भी जारी रहा। इस दौरान मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, पंच पद के कुल 185 अभ्यर्थियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी सह BDO सुधीर कुमार ने बताया कि मुखिया पद पर 13, सरपंच पद पर 4, पंचायत समिति सदस्य के पद पर 12, वार्ड सदस्य के पद पर 107, पंच पद पर 49 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। उन्होंने यही बताया कि मुखिया पद पर रामदेरी पंचायत 2 से रानी देवी, मटियानी पंचायत 2 से आशा कुमारी, सैदपुर एवं पंचायत से प्रमोद साह, सफापुर से संजय पासवान, दरियापुर से शोभा पासवान, सीमा पंचायत से बम्बम कुमार, बलहपुर 2 से रामाश्रय सिंह, बलहपुर 1 से अजीत कुमार, रामदेरी 4 से सुधीर महतो, जयराम राय, रामदेरी 1 से अनिता देवी, सोनापुर से मंजू देवी, नीता उर्फ अनिता देवी ने नामांकन कराया। उन्होंने यही बताया कि सरपंच पद से रामदेरी 4 पंचायत से सुशीला देवी, सैदपुर एमा से मोहम्मद उस्मान, मटिहानी 2 से भवानी देवी, बलहपुर 1 से हेमंत कुमार ने अपना नामांकन कराया। BDO ने बताया कि पंचायत समिति पद से मटिहानी 2 से शर्मिला देवी, मटिहानी 1 से गोपाल साह, बलहपुर 1 से मनोज सिंह, दरियापुर से उषमा खातून, रेखा देवी, खोरमपुर से ललन पासवान, सैदपुर एमा से मोहम्मद हारून, स्वेनाज बेगम, सफापुर से बीना देवी, रामदेरी 4 से अमृता देवी सहित अन्य अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन कराया। किस पद पर? कितना विकास हुआ 5 साल में आपके गांव में? विकास तो कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार हुआ, आधा अधूरा रोड बना है, पैसा पूरा निकला। तो चुनाव लड़ने के लिए आपने कैसे सोच लिया? चुनाव यही भ्रष्टाचार से पीड़ित हम भी हुए। अच्छा, इस वजह से हमको लगा कि जो विकास अधूरा है, खुद आके रणभूमि में जो है एक बार प्रयास किया जाए। क्या लगता है समर्थक? समर्थक बहुत है एकदम, इस बार अजीत कुमार जनता का यही नारा है। अब की बार अगर आप जीतते हैं तो क्या करिएगा अपने पंचायत में विकास के रूप में? सबसे पहले तो वो करेंगे जो आधा अधूरा काम हुआ है उसको पूरा करने का काम करेंगे। और हम ये नहीं कहेंगे कि जनता से कोई ऐसा वादा नहीं करेंगे कि आपको आसमान में सीढ़ी लगा देंगे, आपके मुँह तक खाना पहुँचा देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम। जो अभी विकास में जो बाधा पहुंचता है जहां पे, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। जहां पे अभी रोड, बिजली पानी और जो सड़क की समस्याएं हैं, सबसे पहले मूलभूत समस्या जो है उस पर हम काम करेंगे। उसके बाद शिक्षा पे, जो स्कूल की जो व्यवस्था है उसको तंदुरुस्त करने का काम करेंगे। अभी बलापुर पंचायत 1 में आप जाके देखिए, स्कूल भवन, जो भवन जो हमारे स्कूल का है वो बिल्कुल जर्जर स्थिति में, वो पढ़ने पढ़ाने के लायक नहीं है। किसी के विरोध में वैसे ही बहुत सारे काम है जो अभी रोड देखिएगा बनने के 2 साल बाद ही टूट जाता है। तो कहने का मतलब है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उसको ख़त्म करने के लिए, अपने पंचायत को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए हम इस नॉमिनेशन करवाए हैं और जनता का आशीर्वाद।